हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी चौथी जमात का पाठ पंज सफलता का भेत करन जा रहे हाँ। भेत बेटा, सफलता का भेत मतलब हर एक चीज़ के पिछे कोई ना कोई राज छुपया हुंदा है, हर चीज़ का कोई ना कोई भेत हुंदा है। अते सफलता का की भेत हुंदा है, असी ये इस कहानी दे विच पढ़ांगे। अप्रैल का पहला हफ्ता सी, थोड़ी थोड़ी गर्मी पैनी शुरू हो गई सी। स्कूलों में सालाना परीक्षावां दे नतीजे निकल चुके सन। विद्यार्थी अगलियां श्रेणियां लई नवियां पुस्तकां, कापियां ते होर समगरी लैण लई उतावले हो रहे सन। श्रेणियां मतलब की हुंदा बेटा? जमातां। समगरी मतलब समान, जो उन्हां दे पढ़न दे लई जरूरी समान सी। जिहड़े विद्यार्थी पास होए सन उन्हां नूं चा चढ़िया होया सी। चा चढ़िया होया सी मतलब खुशी सी उन्हां नूं। ओह एक दूजे नूं वधाइयां दे रहे सन। उन्हां दे मापे भी खुशी विच मिठाई वंड रहे सन। चंगे नंबर लैण वाले बच्चों नूं तोहफे मिल रहे सन। सफलता की खुशी किस नूं नहीं हुंदी। इस तरह इस पैरे विच बेटा असी पढ़िया कि अप्रैल का जिहड़ा पहला हफ्ता सी, ते थोड़ी थोड़ी गर्मी पैनी शुरू हो गई सी, ते जिहड़ी साडी एनुअल एग्जाम हुंदे आ, सालाना परीक्षावां हुंदियां, उन्हां दा नतीजा आ चुकिया सी। क्योंकि मार्च दे लास्ट हफ्ते दे विच ही नतीजे आ जांदे आ, ते बच्चे अगली जमात विच हो गए सी, ते अगली जमात लई कापियां, किताबां ते होर समान वह खरीद रहे सी बड़े चा दे नाल। जिहड़े बच्चे पास होए सी उन्हां नूं खुशी सी, अते जिहड़े चंगे नंबरां नाल पास होए सी उन्हां नूं तोहफे भी मिल रहे सी, ते वह मिठाइयां भी वंड रहे सी। उन्हां दे मापे भी बहुत खुश सन। परंतु समीर दा मित्र दलवीर प्रीख्या विचों फेल हो गया सी। वह दोवें अठवीं श्रेणी विच पढ़ते सन, दोवें गूढ़े मित्र सन। पर समीर कौन जिहड़ा कि दलबीर दा मित्र सी, वह फेल हो गया सी। किहड़ी श्रेणी च सी? दोवें अठवीं जमात विच सन, ते गूढ़े मित्र सन। दलबीर शुरू शुरू विच पढ़ाई विच चंगा सी, परंतु प्रीख्यावां तों कुछ महीने पहलां वह लापरवाह हो गया। लापरवाह मतलब ध्यान नहीं सी दिंदा, वह किसी गल की परवाह नहीं सी करदा। उसने समीर दा साथ छड के होर मुंडियां नाल जोटी बना ली, अते भैड़ियां आदतां भैड़ियां आदतां वाले सन। जोटी बना ली मतलब साथ कर लिया, उन्हां दे नाल रहण लग गया। कई बार वह स्कूलों भी गैर हाजिर रहिंदा। यह वेख के समीर दा दिल दुखी हुंदा। उसने दलबीर नूं समझाउण दी बथेरी कोशिश कीती, पर उस दे कन्न उत्ते जूं तक ना सरकदी। कन्न ते जूं ना सरकना मतलब कोई असर ना होना, कही गल दा कोई असर ना होना। दलवीर अपना बहुत समा पढ़ाई विच लाउण दी थां फजूल गल्लां विच लाउंदा रहिंदा सी। फजूल मतलब जिहड़ियां फालतू दीआं गल्लां सी उहनां विच। उह घरों गया किन्ना किन्ना चिर वापस ना मुड़दा। उसदे मापे भी उसनूं समझाउंदे रहिंदे। उसदी लापरवाही दा नतीजा इह होया कि उह फेल हो गया। उधर समीर दे मापे खुश सन क्योंकि उसने चंगे नंबर प्राप्त कीते सन। अध्यापक भी उसकी प्रशंसा कर रहे सन। उसनू बहुत सारे इनाम मिले सन, अते उसदे दादा जी ने भी उसनू इनाम वजों कंप्यूटर दिता सी। तां इस पैरे विच असी की पढ़िया बेटा कि दलबीर बच्चा जिहड़ा फेल होया सी, वह पहला पढ़ाई दे विच चंगा सी, पर बाद विच उहदी संगत जिहड़ी सी वह माड़े बच्चों नाल हो गई, ते उहने समीर दा साथ छड्ड के उहनां मुंडियां नाल रहना शुरू कर दिता, ते अपना समां जिहड़ा सी हमेशा बर्बाद करदा रहिंदा सी। ते नतीजा की निकलिया कि वह फेल हो गया। तो उधर समीर सी जिहड़ा वह चंगे नंबरां नाल पास होया, ते उहनूं मापिआं वल्लों बहुत सारे तोहफे मिले। उहदे दादा जी ने उहनूं इनाम वजों कंप्यूटर भी लैके दिता। फेल होण नाल दलवीर दा दिल टुट गया। वह महसोसिया महसोसिया रहण लग्या। महसोसिया मतलब दुखी, निराश रहण लग्या। वह अपने सहपाठियों तो पिछे रहण कारण उदास सी। सहपाठी कौन हुंदे बेटा? जिहड़े साडे हम जमाती हुंदे आ, जिहड़े साडे नाल पढ़दे आ, उहनां नूं सहपाठी बोलदे आ। उस नाल उह घट नंबर लैण वाले विद्यार्थी भी सालाना प्रीख्या विच पास कर गए सन। दलबीर नूं अपनी हेठी महसूस होण लगी। हेठी मतलब आपदी हार महसूस होण लगी उसनूं, कि जिहड़े मेरे तो नलायक सी वह बच्चे भी पास हो गए। इस गल दे विच वह अपनी बेइज्जती समझदा सी कि उसदी बहुत बेइज्जती हुई है। वह पढ़ाई छड्ड देण बारे सोचण लगा। वह स्कूल जाण तो कन्नी कतराउण लगा। कन्नी कतराउणा मतलब आने बहाने करके उस चीज़ तो टाला वटना। कन्नी कतराउणा की हुंदा? टाला वटना। उसदे मापिआं नूं भी चिंता होण लगी। उन्होंने अपने पुत्तर नूं समझाउण दी पूरी कोशिश कीती। उसदे मित्र समीर ने भी उसनूं हौसला देना चाहिया, परंतु उसदा दिल ना टेक सकिया। उह स्कूल तों मिलिया काम करन दी परवाह ना करदा। इंज लगदा सी जिवें उस दीआं खुशियां गुआच गईआं होण। तां इस पैरे विच असी की पढ़िया कि फेल होण नाल दलबीर सी जिहड़ा, उहदा दिल टुट गया, उह दुखी रहण लग्गिया, ते उह पढ़ाई तों
टाला वट्टन लग पिया। उसनू घरदिया ने उहदे मित्र समीर ने बहुत समझाया पर उहदा दिल टिकदा नहीं सी, मतलब उहदी खुशी गुआच गई सी किते, उह दुखी रहण लग पिया सी। कई दिन लंघ गए। एक दिन दलबीर उदासिया उदासिया बरांडे विच बैठा सी। उस दिन घर विच कोई नहीं सी, दुपहर दा वेला सी। एक चिड़ा ते चिड़ी बरांडे दी छत हेठां आलना बनाउण विच लगे हुए सन। चिड़ा ते चिड़ी कई दिनां तों आलना बनाउण दा यतन कर रहे सन पर आलना बनण विच ही नहीं सी आ रहा। चिड़ा ते चिड़ी फिर भी आलना बनाउण विच लगे हुए सन। दलवीर वेखी जांदा सी ते सोची भी जांदा सी। चिड़ा ते चिड़ी रस्सियां घा दे तिणके डक्के बाहरों अपनियां चुंझां विच लियाउंदे अते छत हेठां टुंगण दी कोशिश करदे। तीले ते डक्के थल्ले डिग जांदे पर चिड़ा चिड़ी चीं चीं करदे उड़ारी मार बाहरों बाहर नूं उड जांदे। उह दूरों दूरों तीले ते तिणके लियाउंदे रहिंदे। दलबीर सब कुछ टिक टिकी ला के वेख रहा सी अते सोचां सोच रहा सी। तां इक दिन की होया, टिक टिकी ला के वेखना बेटा लगातार किसी चीज़ वल वेखना हुंदा है। इस पेरे विच असी की देखिया कि एक कई दिन लंघ गए उदास सी। एक दिन कोई नहीं सी घर विच, उह बरांडे विच बैठा होया सी तां उत्थे एक चिड़ा ते चिड़ी सी जिहड़ा उह अपना आलना बना रहे सी ते उहनां दा आलना बण नहीं सी रिहा पर उहनां ने फिर भी हिम्मत नहीं छड्डी। उह वार वार बाहरों तीले लियाउंदे सी अते आलना बनाउण दी कोशिश विच लगे होए सी। दलबीर इह सारा कुछ सी बड़ी टिक टिकी ला के, मतलब एक टिक ला के लगातार उहनां वल देखी जा रहा सी ते सोचां सोची जा रहा सी। दलबीर चिड़ा चिड़ी दा आलना बनाउण दे पक्के इरादे उत्ते हैरान हो रहा सी। आखिर आलना बन ही गया, चिड़ा चिड़ी सफल हो गए। दलबीर नूं ख्याल आया कि मैं भी सफल हो सकदा हाँ, दिल ढाउण नाल कुछ नहीं सौरना। दिल ढाउणा मतलब उदास होण नाल, हौसला हारन नाल। हौसला हारना, दिल ढाउणा की हुंदा? हौसला हारन नाल कुछ नहीं सौरना। सौरना मतलब ठीक होना, सवरना। क्यों ना मन ला के मुड़ पढ़ाई शुरू कर दें। जे ये पंछी आलना बनाउण विच सफल हो सकते हैं तो मेहनत करके मैं क्यों नहीं पास हो सकता। उसनू अपने मित्र समीर दियां आखियां गल्लां चेते आईयां, मम्मी पापा दे कहे दा ख्याल आया। उसने अपने मापियां दी सिक्ख्या दी कदर करनी जरूरी समझी। हुण दलबीर दे चेहरे उत्ते उदासी दी थां खुशी दी चमक सी। उहदे पैर स्कूल पुज्जण लई काले पै रहे सन। अगले दिन दलबीर तैयार हो के स्कूल नूं तुर पिया। हुण खूब मेहनत करके चंगे नंबरां नाल पास होना चाहुंदा सी। एक चिड़ा चिड़ी ने उसनू समझा दिता सी कि मेहनत ही असली सफलता दा भेत है। तां उस तों बाद जदों उन्हें चिड़ा चिड़ी नूं लगातार मेहनत करदे देखिया ते आखिरकार उन्हां दा आलना बन गया तां उहदे मन विच की आया कि जदों ये पंछी मेहनत करके अपना आलना बना सकते हैं तो मैं मेहनत करके पास क्यों नहीं हो सकता। तो इस करके उहदे अंदर एक नवीं उम्मीद जागी। उहनूं अपने दोस्त ते मम्मी पापा दीआं कईआं गल्लां याद आईआं अते उहने मन दे विच निश्चा कीता कि मैं पढ़ाई करके चंगी मेहनत करके चंगे नंबरां नाल पास होवांगा। हुण उहदे चेहरे ते खुशी सी, उदासी नहीं सी ते उह स्कूल जाण लई काला पै रिहा सी अते उसने मन विच ठाण लिया सी कि मेहनत करके मैं चंगे नंबर लवांगा। तो इस तरह असी इस कहानी विचों बेटा की सीखिया कि मेहनत ही है जिहड़ी उह सफलता दे असली भेत है। जे असी मेहनत करांगे फिर ही असी अगे वध सकदे हाँ अते अपने निश्चित किते उद्देश नूं पूरा कर सकदे हाँ। जे असी मेहनत नहीं करांगे तां असी अपना उद्देश है जिहड़ा उह कदे भी प्राप्त नहीं कर सकदे। सानूं वध तों वध मेहनत करनी चाहीदी है अते दिल दे विच उदासी नहीं लियाउणी चाहीदी अते लगातार मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहीदी है। कदे भी जे असी एक बारी असफल हो जाइए तां उस चीज़ ते सानूं हार नहीं मान लैनी चाहीदी, सगों मुड़ दृढ़ इरादे नाल डट के उस चीज़ दा मुकाबला करना चाहीदा है अते सफल होण लई लगातार मेहनत करनी चाहीदी है। इस तों बाद बेटा पाठ दे औखे शब्दां दे अर्थ हन, फिर अभ्यास दे प्रश्न हन जिहड़े तुसीं किताब दे विच ही हल करने हन। उस तों बाद प्रश्न उत्तर वाला जिहड़ा प्रश्न है ये तुसीं अपनी नोटबुक विच हल करोगे। खाली थावां बेटा तुसीं अपनी बुक दे विच ही हल करनियां हन। उस तों बाद कुछ तुहानूं शब्द दित्ते गए है इन्हां दे वाक भी तुसीं अपनी बुक दे विच ही दित्ती खाली थां दे विच बना लैणे हन। उस तों बाद वाकां दे सामने सही जां गलत दा निशान लगाउणा है पाठ दे अनुसार। उस तों बाद बहुते शब्दां दी थां एक शब्द है उह भी तुसीं बुक दे विच ही हल कर लैणे हन। उस तों बाद सही मिलान करना है, ये तुहाडा व्याकरण भाग का प्रश्न है कि पैर विच पैण वाले किहड़े अक्खर हन, स्वर किहड़े हन, व्यंजन किहड़े हन, अनुनासिकी व्यंजन किहड़े हन, नवीन टोली दे शब्द किहड़े हन, वर्ण किहड़े हन।
ये सारे तुहानू भी मतलब मुढ़ली क्लास में ही असी सिखा चुके हाँ कि किहड़े अक्षर पैर विच पैंदे हन, स्वर किहनां नूं कहिंदे हन, व्यंजन किहनूं कहिंदे हन, तां ये सारे तुसीं हल करने हन। उस तों बाद पंजाबी वर्णमाला नाल संबंधित, जिवें पंजाबी वर्णमाला नूं 41 अक्खरी भी 41 भी कहा जांदा है, जां इन्हां प्रश्नां दे उत्तर इस तरह। बेटा ये व्याकरण दे जिहड़े मुढ़लियां क्लासां विच तुसीं प्रश्न कर चुके हो उहनां दे अनुसार हन, ते जे फिर भी किसी नूं समझ ना आए आ तां अगली वीडियो विच मैं तुहाडे नाल उत्तर सांझे कर देवांगी। योग्यता विस्तार का प्रश्न तुसी अपने आप करना है। तद तक लई धन्नवाद।